अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 10 देखेंगे, लेखोन थियो। इसमें आज मैं आपको बताऊंगी ये तीन जो वर्ड्स हैं स्वीडिश के। फर्स्ट वन इज ए, इसके ऊपर ये जो ए के ऊपर दो डॉट्स हैं इनको हम पढ़ेंगे ए, ठीक है। और ये जो ए के ऊपर छोटा सा ओ बना हुआ है इसको हम बोलेंगे ओ, ठीक है, ओ। और ये जो है इसको हम बोलेंगे अ, ठीक है। मतलब ये जो है इसके लिए हम अपने लिप्स को गोल करेंगे ओ, और ये जो ओ है इसके लिए हम गले में से आवाज निकालेंगे, ठीक है, अ। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, एन ओ, ठीक है। एन ओ जो है ये है अ रिवर, एन ओ अ रिवर। ये जो एन अ है इसका मतलब होता है आइलैंड, एन एन आइलैंड, ठीक है। एन ओ आ रिवर, एन अ एन आइलैंड, एक जजीरा, रिवर दरिया, ठीक है। इसके बाद है जिसको हम जो है बाकी वर्ड के साथ मिला के देखते हैं, एर, ठीक है, ये बन गया एर। ये फ्रॉन, ठीक है, एर फ्रॉन मालमो, मालमो। जैसे ये योग आर फ्रॉन मालमो, योग आर फ्रॉन मालमो। लेकिन जब स्वीडिश में इसे प्रोनाउंस करेंगे तो वो कुछ जो वर्ड्स हैं साइलेंस कर देते हैं, जैसे वो योग को या, आर को ए, यो एफ्रॉन मालमो, ठीक है। जब वैसे हम देखेंगे तो ये योग आर फ्रॉन मालमो, लेकिन जब हम इसे स्वीडिश में प्रोनाउंस करेंगे तो बोलेंगे या ए फ्रॉन मालमो। अब ये जो आर है, ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में इज आर एम यूज होता है, मतलब आई के साथ हम एम यूज करते हैं, ठीक है, यू के साथ हम आर यूज करते हैं, ही के साथ हम इज यूज करते हैं, ठीक है, ही शीट के साथ हम इज यूज करते हैं, और यू और वी के साथ जो हम आर यूज करते हैं, और आई के साथ हम एम यूज करते हैं। लेकिन स्वीडिश में जो है मतलब ये सब के साथ, ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस जो है इनके साथ हम आर यूज करेंगे, ठीक है, इसका सब के साथ जो है वो मीनिंग एक ही होगा। योग एर एन स्लिको, यो एर एन स्लिको, आई एम अ गर्ल। दू एर एन पोइके, दू एर एन पोइके, यू आर अ बॉय। हन एर एन मन, हन एर एन मन, ही इज अ मैन। जा ए एन फ्लिक्के, दू ए एन पोइके, हन ए एन मन। मैं एक लड़की हूँ, तुम एक लड़के हो, वो एक आदमी है। हुन आर एन क्विन्ना, हुन ए एन क्विन्ना, शी इज अ वुमेन, वो एक औरत है। दियत आर एट हुस, they are at his, it is a house, ये एक घर है। it के साथ भी यहाँ पे are यूज होगा। them are glad, them are glad, they are happy, वो खुश हैं। उसके बाद है जी n और at, लेकिन मतलब स्वीडिश लैंग्वेज जो है ना उसमें ये कोई रूल नहीं है, मतलब ये आप को एग्जैक्ट पता नहीं चल सकता कि किसके साथ हमने एन यूज करना है और किसके साथ हमने एच यूज करना है। तो इसके लिए आपने जो भी नाउन देखना है उसके साथ आपको ये भी मस्ट जो है ना वो देखना पड़ेगा कि मतलब उसके साथ एन यूज हो रहा है या एच यूज हो रहा है। मोस्टली जो चीजें होती है ना, मतलब जैसे बॉडी पार्ट्स हो गए, ठीक है, या जो नाउन्स जो है मतलब सिंगुलर भी ऐसे रहते हैं और प्लूरल भी, उनमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे ये हुस है, ये प्लूरल भी हुस ही रहेगा। ये जो बार्न है, ये प्लूरल भी बार्न ही रहेगा। तो इनके साथ हम एट यूज करेंगे, ठीक है, ये एक एज अ टिप आप ले सकते हैं। और बाकी जो है ये इनके साथ एन यूज होगा, मोस्टली जो है वो एन यूज होता है और बाकी के साथ कुछ के साथ एट यूज होता है, ठीक है। तो जब भी आपने नाउन देखना है उसके साथ हम आपने पहले ये देखना है कि इसके साथ एन लगता है या
एथ लगता है। तो ये है जी एन बील, एन बील अ कार, ठीक है। एन बोल अ फुटबॉल। एथ हूज अ हाउस। एथ बॉर्न अ चाइल्ड, ठीक है। इसमें हम आप देखेंगे हॉर, ठीक है। एक स्वीडिश में वर्ड यूज होता है हॉर, जैसे इंग्लिश में यूज होता है हैज और हैव, वैसे स्वीडिश में हॉर यूज होता है। और यहाँ पे मतलब जो है ना सबके साथ हॉर ही आएगा। स्वीडिश में तो होता है ना ही और शी के साथ हम हैज लगाते हैं, बाकी सबके साथ हैव लगाते हैं। लेकिन इसमें जिस तरह पहले हमने देखा कि सबके साथ आर लगेगा, इसी तरह ये सबके साथ हॉर लगेगा, ठीक है। योग हॉर एंड बील, योर कार एंड बील। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। डू हॉर एंड बॉल, डू हॉर एंड बॉल। यू हैव अ फुटबॉल, तुम्हारे पास एक फुटबॉल है। हुन हॉर एट हिज, हुन हॉर एट हिज। शी हैज अ हाउस, उसके पास एक घर है। हन हॉर एट बॉर्न, हन हॉर एट बॉर्न। हन हॉर, ठीक है। जब हम इसको स्वीडिश में प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसको हा कर देंगे। हन हा एट बॉर्न। ही हैज अ चाइल्ड, उसके पास एक बच्चा है। अब ये है जी एन बील, ठीक है। एन बील का मतलब है अ कार। जब हम इसको द कार करना है मतलब इनडेफिनेट में हम इसे देखना है, ठीक है। इनडेफिनेट और डेफिनेट का तो आपको पता ही होगा, डेफिनेट होता है मतलब उसे हम उर्दू में कहते हैं इसमें मार्फा, ठीक है, और इनडेफिनेट इसमें नकरा, ठीक है। तो जिस तरह ये है ना एन बील आकार, बीलन द कार, ये मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। ये किसी की तरफ भी रेफर हो सकता है, इसलिए इसको हम जब हमने इसको द कार करना है तो ये जो एन है ये बील के आगे लग जाएगा, बीलन हो जाएगा, ठीक है। एन बील बीलन। एन बुस अ बस, ठीक है, इसको हम कर देंगे बुसन, ठीक है। एन बील बीलन, एन बुस बुसन। एन बोल अ फुटबॉल, बोलन द फुटबॉल, ठीक है। बोल के आगे एन लग जाएगा, एन बोल बोलन। एथ हूस, अब ये जो एथ हूस है अ हाउस, इसको हम जब द हाउस करेंगे ये जो है मतलब एन बोल था ये बोलन हो गया, ठीक है। ये एथ हूस, ये हूसेट हो जाएगा, लेकिन एक टी को हम माइनस कर देंगे। एथ हूस को हूसेट, ई और टी लगेगा, ठीक है। उसके बाद है जी एन स्कू, एन स्कू आ शू। ये कुछ इसमें इरेगुलर होते हैं, मतलब ये जैसे एन स्कू है तो इसको हम स्कून कर देंगे। स्कून क्यों करेंगे, क्योंकि मतलब ये वावल है, जहां पे वावल आए दो वावल इकट्ठे यूज नहीं हो सकते, इसलिए हम स्कू के आगे सिर्फ एन लगाएंगे, ई को हम माइनस कर देंगे, ई के साथ हम नहीं लगाएंगे। एन स्कू आ शू, स्कून दाशू, ठीक है। इसी तरह ये एप्ले, इसके भी आगे ये वावल है, ठीक है, और इधर भी, तो इसलिए हम जो है ये ई और टी, एक ई और एक टी को हम माइनस कर देंगे, सिर्फ एक टी हम इसके आगे लगाएंगे, एप्लेट हो जाएगा, ठीक है। एप्लेट एन एप्पल, एप्लेट द एप्पल, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया और जिन्होंने अब तक नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।